एक विदेशी कंपनी जिसका ये सॉफ्टवेयर और हथियार है उसे डिफेंड कर रहे हैं, ना कि भारत के संविधान को, ना कि भारत के लोगों को, ना कि भारत के संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को, ना कि भारत की महिलाओं को। इनको डिफेंड नहीं कर रहे, इनकी रक्षा नहीं कर रहे, एक विदेशी कंपनी की रक्षा कर रहे हैं। वो विदेशी कंपनी की रक्षा कर रहे हैं जिस पर खुद रेड आज इजराइल कर रहा है। सियासी बवाल की बरसात में तरबतर हो गया संसद का मॉनसून सत्र। किसी का अगर बलात्कार हो गया, 100 गाय का हमने दान दे दिया, उस तरह का हमने पुण्य कमाया, तो आप कहना क्या चाहते हो? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दी नेशन वॉइस और आज हमारे साथ हैं तहसीन पुनेवाला जी, जो कि कांग्रेस नेता हैं, और इनसे हम बात करेंगे भारत के मौजूदा राजनीतिक मुद्दों पर। सर, पेगासस मुद्दा आजकल बड़ा चर्चा में, संसद भी भंग हो जा रही है, बार बार स्थगित करनी पड़ रही है, काम नहीं हो पा रहा, क्या कहना चाहते हैं? कितना बड़ा इशू है ये आपके हिसाब से? इस वक्त मुल्क का, और मुल्क का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा पेगासस का मुद्दा है। जैसे कि आप जानते हो कि फ्रांस ने इस पर जांच लॉन्च की है, फ्रांस जांच कर रहा है, और ये जो मुद्दा है, और पेगासस ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक हथियार है, जैसे राहुल गांधी ने सही कहा था, और इस हथियार से भारतीयों पर हमला हुआ है। तो ये भारतीयों को जानने का अधिकार है कि भारतीयों पे आक्रमण किसने किया, क्या भारत की मौजूदा सरकार, वर्तमान सरकार ने किया है या किसी बाहर वाले ने किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज पे इससे हथियार से अटैक हुआ है, इस हथियार से, तो ये जानना बेहद ज़रूरी है। सर, जब ये मुद्दा सामने आया तो उसके बयान में कहा गया भाजपा की तरफ से कि मानसून सत्र के ठीक एक दिन पहले चर्चा में क्यों आया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा के जाल में फंस गई है कांग्रेस, पेगासस उन्होंने खुद उठा दिया हो, महंगाई, बेरोजगारी और जो महामारी के दौरान जो मौतों के आंकड़े आए उन सबको भुला के केवल पेगासस चलने लगे और लोगों को लगे कि कांग्रेस अपने लिए लड़ रही? दुनिया के जितने भी पत्रकार हैं, नामी पत्रकार हैं, उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की है। फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति की स्नूपिंग हुई है, हैक करने की कोशिश की गई है। दुनिया के 3 राष्ट्रपति, 3 प्रधानमंत्री, 7 भूतपूर्व प्रधानमंत्री जब वे प्रधानमंत्री थे उन पर जासूसी की गई है, भारत के इलेक्शन कमिश्नर पर जासूसी की गई, चीफ जस्टिस के ऑफिस पर जासूसी की गई, मीडिया पर जासूसी की गई। भारत का लोकतंत्र इन स्तंभों पर खड़ा है, इन स्तंभों को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। तो कौन कर रहा है भारत पर आक्रमण, कौन कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर किसके पास है, ये हथियार किसके पास है? और मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ मेरे भाजपा के दोस्तों की बातें सुनकर। एक विदेशी कंपनी जिसका ये सॉफ्टवेयर और हथियार है उसे डिफेंड कर रहे हैं, ना कि भारत के संविधान को, ना कि भारत के लोगों को, ना कि भारत के संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को, ना कि भारत की महिलाओं को। इनको डिफेंड नहीं कर रहे, इनकी रक्षा नहीं कर रहे, एक विदेशी कंपनी की रक्षा कर रहे, वो विदेशी कंपनी की रक्षा कर रहे जिस पर खुद रेड आज इजराइल कर रहा है। तो प्रश्न तो उठेगा कि भाजपा किसके साथ है। तो सर, जैसे आप कह रहे हैं कि विदेशी कंपनी के लिए, मतलब बचाव के लिए काम कर रहे हैं भाजपा जो कि सरकार में है, तो वहीं पे आप देखते हैं कि किसान भी मतलब प्रदर्शन करने लगातार, बेरोजगार, युवा, और मतलब वो बहुत सारे लोग महंगाई के खिलाफ, तो क्या विदेशों के लिए काम हो रहा है, देश की जनता के लिए काम नहीं हो रहा है? लग तो यही रहा है। अब किसानों की बात आपने उठाई है, 500 से अधिक हमारे किसान भाई बहन शहीद हुए प्रधानमंत्री के नए आलीशान मकान से कुछ किलोमीटर दूर, जहाँ उनका नया आलीशान मकान बन रहा है सेंट्रल विस्टा के अंदर, वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर 500 से अधिक किसान शहीद हुए। क्या प्रधानमंत्री जी ने उनसे बातचीत की, उनके परिवारों से बातचीत की? क्या प्रधानमंत्री जी ने उन पर कोई टिप्पणी की? 500 किसान एक मुल्क में शहीद होते प्रधानमंत्री के घर से कुछ किलोमीटर दूर, आप ये सोचिए और आपके दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर कीजिए कि व्हाइट हाउस से दूर अगर कुछ किसान शहीद होते, अगर 10 डाउनिंग स्ट्रीट की दूरी पर कुछ किसान शहीद होते, तो क्या हालत होता उस देश में? यहाँ पर प्रधानमंत्री के आलीशान नए मकान बन रहे, नए हवाई जहाज आ रहे, और जो किसान शहीद हो रहा है उस पर प्रधानमंत्री जी टिप्पणी नहीं दे रहे, तो क्या प्रश्न उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए प्रधानमंत्री जी से? सर, किसान अब कह रहे हैं कि वो लखनऊ का भी घेराव करेंगे। आपने भाजपा का एक ट्वीट देखा, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भाजपा ने ट्वीट किया था कि किसानों को धमकी देते हुए कि आप लखनऊ, यहाँ योगी बैठे हुए, जी जी, क्या कहना चाहते हो कि बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान ख़त्म हो गया है, जवाहरलाल नेहरू के मुल्क के अंदर गुंडागर्दी चलेगी, किसान भाइयों को धमकी दिया जाएगा?
जो वर्तमान सरकार है, प्रधानमंत्री जी कहते आप मुझे फ़ोन कीजिए, और वर्तमान सरकार के ट्विटर हैंडल से किसानों को धमकी दी जा रही है और उस पर कोई टिप्पणी ना। सर केवल धमकी नहीं दी जा रही है, किसानों को पहले खालिस्तानी, आतंकवादी, अब मवाली तक कहने लगे भाजपा के लोग। यही तो है, यही तो भाजपा का चरित्र दिखाता है, यही तो भाजपा का चाल चेहरा और चरित्र है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। भाजपा दरअसल देश के खिलाफ अगर कोई राजनीतिक दल है वो भाजपा है। वो किसके एजेंडा पर काम कर रही है, किसानों को नुकसान पहुंचाकर किसका फ़ायदा हो रहा है। दिक्कत ये नहीं कि किसानों को वो किसान, वो तीन काले कानून समझ में नहीं आए, दिक्कत ये कि किसान भाइयों को कानून समझ में आ चुके हैं, इसलिए भाजपा फंस चुकी है। सर एक और सवाल मेरा आपसे है, अभी महिला सुरक्षा की जैसे बात करती है जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार। मेरठ से सर एक मुद्दा है जिसमें हिंदू युवा वाहिनी की संगठन मंत्री हैं मीनाक्षी चौहान, उनके बेटे ने, उनके देवर ने एक महिला का रेप किया, बाद में वो शिकायत करती है तो उसको कहा जाता है कि आपने 100 गायों का दान कर दिया, पुण्य मिलेगा इससे। क्या कहना चाहते हैं आप जिस तरीके की हरकतें महिलाओं के खिलाफ सामने आती हैं? मैं पहले नेशनल लेवल पर बात करते फिर मैं इस मुद्दे पर आऊँगा, क्योंकि इस मुद्दे से बहुत दुख हुआ है। मैं पेगासस के मुद्दे पर फिर जाऊँगा। पेगासस को मैं हथियार क्यों कहता हूँ और राहुल गांधी से हथियार क्यों कहते हैं? ये जब आपके फ़ोन में जाता है, ये आपके कैमरा को एक्सेस करता है, इससे रिकॉर्डिंग होती है। ये महिलाओं के कैमरा में था, महिलाओं के फ़ोन में क्या क्या होता है, उनके फोटोग्राफ्स होते हैं, उनके वीडियोज़ होते हैं, महिला अपना कैमरा बेडरूम में ले जाती है, बाथरूम में ले जाती है। आप सोचिए कि आज़ादी के 75 ईयर्स हम अब मनाने वाले हैं और पहली बार हमारी महिलाओं के कैमरा में किसी ने घुसकर वीडियो रिकॉर्डिंग शायद की है और इस पर सरकार चुप है। अब हम आते हैं मीरठ के मामले पर। मीरठ के मामले में जो हुआ है, आप ये कह देते हो कि हमने किसी का अगर बलात्कार हो गया, 100 गाय का हमने दान दे दिया, उस तरह का हमने पुण्य कमाया, तो आप क्या, तो आप कहना क्या चाहते हो? लेकिन ये पहली बार मीरठ में भी और उत्तर प्रदेश में भी नहीं हुआ है। आदित्यनाथ जी जब उत्तर प्रदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उत्तर प्रदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे गोरखपुर से, वे एक स्टेज पर बैठे हुए थे, ये मुख्यमंत्री बने उसके पहले, उस स्टेज पर एक साथी ने, उनके एक साथी ने कहा कि जितनी भी मुस्लिम महिलाएं यहाँ दफन हैं उनके शव, उनके बॉडीज़ को निकालकर उसका बलात्कार करना चाहिए। और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अभी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, वहाँ बैठे थे और इस तरह की भाषा को रोका नहीं। जब देखो तब बलात्कार करेगी या महिलाओं का बलात्कार करेगी या महिलाओं पर अत्याचार करेगी। क्यों? क्योंकि आरएसएस एक संगठन है जो महिलाओं के विरोध है। आप आरएसएस का सारा डॉक्ट्रिन पढ़ लीजिए, ये पहले से ये महिलाओं को आज़ादी देना ही नहीं चाहते। इनकी देखरेख में हो रहा है सब, इनकी देखरेख में नहीं हो रहा है। देखरेख में होने के बावजूद ये कोई एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि ये रेप को एक वेपन, एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, लोगों को दबाने के लिए, लोगों को नीचा दिखाने के लिए, लोगों को ह्यूमिलिएट करने के लिए। वरना आप सोचिए, मैं दोबारा से पेगासस के मुद्दे पर जा रहा हूँ, महिलाओं के फ़ोन में ये हथियार था, आप इसकी जांच नहीं करा रहे हो? फ्रांस करा रहा है जांच, अन्य मुल्क करा रहे, जिस कंपनी का सॉफ्टवेयर, जिस कंपनी ने उससे मुनाफा कमाया, इसराइल, वो जाँच करा है, लेकिन भारत की वर्तमान सरकार चुप है। तो आप क्या कहना चाहते हो? बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे तहसीन जी जो कि तमाम मुद्दों पे अपनी बात रख रहे थे। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। धन्यवाद।